नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप सर्दियों में अपने स्किन का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आप गर्म पानी से नहाना शुरू कर चुके हैं, आप वार्मर्स पहनते हैं, आप अगर बाहर जाते हैं तो बहुत सारे कपड़े पहनकर जाते हैं, पानी पीना आपने कम कर दिया है, आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, हलवे खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्किन को ड्राई कर रही हैं। आपकी स्किन अगर ड्राई रहेगी तो खुजली हो सकती है। तो सर्दियों का अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अपनी स्किन की भी देखभाल करें, ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाएं, पहली बात। दूसरा, आपका सोप ऐसा होना चाहिए जो कि मॉइस्चराइजिंग सोप हो या मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश हो। नॉर्मल सोप्स एंड जो बॉडी वॉश होते हैं वो आपकी स्किन ड्राई करते हैं, और अक्सर देखा गया है कि लोग अपने आप को मॉइस्चराइज नहीं करते, तो एक बार नहाने के बाद अपने आप को मॉइस्चराइज भी करना होता है, एक मॉइस्चराइजिंग लोशन भी इस्तेमाल करें। 2 मिनट सुबह अगर आप अपने लिए निकालेंगे तो आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, सफल रहेगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनके लिए ये भी अच्छा है कि अगर वो 2 मिनट पहले नहाने से अपने सारे शरीर के ऊपर नारियल तेल लगाएं। नारियल तेल जब आप नहाएंगे तो आपके शरीर का जो आपका ऑयल है उसको खराब होने से रोकेगा, वो बह जाएगा नहाते वक्त, पर आपका शरीर का तेल बच जाएगा। जब एक बार आप नहा चुके हैं तो अपने आप को थप्पी मार के पैट ड्राई करें, तौलिए को रगड़े नहीं, इससे भी आपकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, और जो आपने मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करा है वो भी आपको हेल्प करेगा। अपने आप को ड्राई करने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करें, और ऐसा ना करें कि जी सर्दियाँ हैं तो 2-3 दिन नहीं नहाएंगे। नहाएं रोज़, अपने आप को मॉइस्चराइज रोज़ करें। खाने के अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स, जो वेजिटेरियन हैं वो भी जो कैश्यूज होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो खाएं ताकि वो आपकी बॉडी को ये मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जो ओमेगा एसिड्स होते हैं वो उनको दे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अपनी स्किन की देखभाल भी कर रहे हैं और विंटर्स का लुत्फ भी उठा रहे हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम, कोई खुजली होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा।